500 साल के संघर्ष के बाद कल अयोध्या में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, शिवपुरी में मनेगी दिवाली। 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। कल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जानी है। इसी क्रम में शिवपुरी विधायक देवेंद्र जानकारी देते हुए बताया कि 5 साल के संघर्ष के बाद कल दिवाली का जश्न मनाया जाएगा और शिवपुरी में भी बड़े धूमधाम से रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही पूरे शिवपुरी जिले में दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। वास्तविकता में लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद लाखों हिंदुओं के बलिदान के बाद हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योगदान से 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे हिंदुस्तान की जनता में हर्ष और उल्लास है, एक उत्साह है। आपने भी शिवपुरी में देखा होगा, कल मैं गली गली में गया, ऑटोमेटिक स्वप्रेरणा से लोगों ने पूरे शहर को भगमामय बना रखा। कल दिवाली मनेगी, क्योंकि मूल रूप में जो हम दिवाली मनाते हैं वो दिवाली भी रावण का वध करके राम जब अयोध्या आए थे, इसलिए दिवाली मनाना चालू हुआ। कल जो दिवाली मनाने जा रहे हैं, 500 वर्षों की कैद के बाद मुगलों की, अंग्रेजों की, और बाद में मैं तो भी कहता हूँ कि 60-70 साल कांग्रेस की सरकार में भी कैद में थे हमारे भगवान, हमारे आराध्य, और वो अपने भव्य और अपने जन्म स्थान पर उनकी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसलिए घर घर में, व्यक्ति के दिल में, मन में उत्साह और उल्लास है और वो दीपावली का एक स्वरूप है। प्यारे बच्चों से देख ही रहे हैं, वो अलग से।